हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी 11th क्लास के लिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिछले दो वीडियोस में करवा दिए हैं। एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस अच्छे से देखी। एक और चीज़, आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अगर इस चैनल में आपको अगर लगता है कि यार आपका फायदा कुछ हो सकता है, आपका भला कुछ हो सकता है, तो प्लीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ और उसमें आपके पास कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं, अकेडमी के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में कंपटीशन में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी तक अपने लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, ठीक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अपने लोगों ने लीनियर मोशन की बात करी, ठीक है। फिर आया प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल में 2D मोशन हुआ। कहने का मतलब बॉडी हाइट भी कवर कर रही थी, बॉडी सामने भी जा रही थी, ठीक है। अब एक और टाइप का मोशन आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो समझ में आता है, गोल गोल घूमना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? वो पर्टिकुलर बॉडी जो सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी उसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। थ्रू द पीरियड क्या कर रहा होगा? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। ऐसी पर्टिकुलर बॉडी जो सर्कुलर मोशन में हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, तो ऑटोमेटिकली उस मोशन को नाम दिया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली आपके पास जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। ओके, कुछ अगर डाउट है तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि वेलोसिटी कहाँ से मिलती है? मैग्नीट्यूड से एंड डायरेक्शन से, ठीक। तो भाई स्पीड जो होगी वो काम करेगी उसके मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी? चेंज होगी। देखो ना, जब बॉडी यहाँ होगी तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल ये है, जब बॉडी यहाँ होगी उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल ये है, जब बॉडी यहाँ है तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल ये है। हर पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको देखने को मिल रहा होगा बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, उसके मोशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो टेंजेंशियली दिखाता है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पर स्पीड के लिए है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल सॉरी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसके लिए यूनिफॉर्म आ रहा है। बट हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोशन कैसा है, मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं, तो मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले क्यों यार स्पीड कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आपका मोशन यूनिफॉर्म कैसे हो गया, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो गया, तो भाई रीजन क्या होगा? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है उस बॉडी की? चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको दिख रहा है कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि टेंजेंशियली आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी जाती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन की वो डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। तो यहां पर अगर आपको वेलोसिटी पता करनी होगी तो भाई स्पीड से मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, बट डायरेक्शन आपको हर केस में पता करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो एक पर्टिकुलर बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए नए नए टर्म्स निकल के आते हैं। वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी, उसकी एक अपनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसका एक अपना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लीनियर वेलोसिटी भी होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, बट साथ में साथ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको रिलेट करके दिखाता हूँ लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के कुछ टर्म्स के बीच, ठीक है। तो जैसे अपने लोग डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है एस के साथ, कहाँ? लीनियर मोशन में। बट अगर यही बात मैं सर्कुलर मोशन की करता हूँ तो सर्कुलर मोशन में हम यूज करते हैं किसको? थीटा को, ठीक है। उसी सेम टाइम पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो लीनियर के केस में वेलोसिटी होती है जस्ट वी, बट अगर मैं बात करता हूँ सर्कुलर की तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हो जाती है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट करा जाता है नॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, ठीक है। अब आगे आपके पास होती है
एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन आपके पास ए, तो इस केस में हो जाता है अल्फा, ठीक है। तो यहां पर एस का थीटा के साथ रिलेशन होता है, वो डिराइव करेंगे, वी का ओमेगा के साथ एक रिलेशन होता है, वो डिराइव करेंगे, ए का अल्फा के साथ एक रिलेशन होता है, वो भी डिराइव करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, हमें ये सारे के सारे आज रिलेशंस को डिराइव करना है, और कैसे डिराइव करते हैं बहुत ही इजी है, बुक्स में बेशक तफवी में दे रखा होगा, बट यकीन मानिए मैं डिराइव करवाऊंगा तो दे विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो कीप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो भाई हम बात कर रहे थे इनके रिलेशंस की, तो सबसे पहले रिलेशन डिराइव करवाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन आपके पास समथिंग कुछ ये हो गया भाई, ठीक। मान लेते हैं बॉडी ए से स्टार्ट हुई और बी तक पहुंची, ठीक है, और ये हो गया सेंटर, तो ये रेडियस का काम करेगा भाई, ठीक है, ये हो गया रेडियस आर नाम का, ठीक। अब बॉडी यहां से यहां तक गई, ठीक है, तो वो एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस कवर कर रही है ना, जिसको मैं नाम दे सकता हूं जस्ट डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, और रिप्रेजेंट कर सकता हूं किससे, डेल एस से। बट अगर मैं बात करूं कि उसने एंगल कितना कवर करा, तो एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसके साथ, डेल थीटा के साथ, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पर थीटा और एस का रिलेशन चाहिए होगा, सपोज अगर ये स्मॉल एंगल्स नहीं है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थीटा और एस है, तो इसका रिलेशन आप डायरेक्टली कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो आपने बेटा ये 10th क्लास में फॉर्मूला स्टडी करा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा था आपको। तो आप इस सिंपल फॉर्मूले से इनका रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो, एंगल की जगह आ गया थीटा, आर्क की जगह आ जाएगा एस, अपॉन रेडियस की जगह आर, तो रिलेशन दिख गया आपको थीटा और एस के बीच में, तो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो थीटा इज इक्वल टू एस इंटू आर, तो ये आपके पास हो गया रिलेशन किसके बीच का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक। फॉर अ स्मॉल टाइम, फॉर अ व्हाइल इफ वी कंसीडर, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डेल एस, ठीक है, और ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल थीटा, तो रिलेशन क्या बन जाता, तो रिलेशन बन जाता डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। तो स्मॉल टाइम की बात करें तो स्मॉल टाइम से आप डिवाइड भी कर दो, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक। अब आपको पता नहीं चलेगा एक रिलेशन अपने लोग और डिराइव करने जा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं डिफरेंशिएशन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जब मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करवाया था, तो उससे पहले मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताया था कि कैसे हम स्मॉल चीजों को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वी बेसिकली यूज लिमिट, तो लिमिट का यूज कर लेंगे, तो डेल टी बिकम्स जीरो, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू इधर वन बाय आर इंटू लिमिट डेल टी बिकम्स जीरो, ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक। अब ये आपकी डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाए, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू डी एस अपॉन डी टी, तो भाई ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा होगा आप लोगों को, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आपकी हो जाती है ओमेगा दैट इज, ठीक है, W जिसको आप पढ़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है, ds अपॉन dt हो गया v अपॉन में r, तो v विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनटू r, और इन वेक्टर फॉर्म अगर आप इसको देखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, तो वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो यहां पर हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, कि पर्टिकुलर वेलोसिटी v वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन बताओ, आर के डायरेक्शन बताओ तो ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा और आर के डायरेक्शन बताओ तो वी निकाल सकते हो, ठीक है, और वी और ओमेगा की डायरेक्शन बताओ तो आप आर भी निकाल सकते हो, बट बेसिकली होता क्या है, वी और आर के डायरेक्शन में आपको दे रखी होती है तो ओमेगा निकालना पड़ता है, और अगर ओमेगा और आर के डायरेक्शन दे रखी होती है तो वी निकालना पड़ता है, आर की डायरेक्शन रेडियस, रेडियस ऑलवेज आउटवर्ड्स होता है, यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज, रेडियस इज ऑलवेज एक्टिंग आउटवर्ड्स, तो सेंटर से बाहर की तरफ होता है हमेशा रेडियस की डायरेक्शन, तो रेडियस हमेशा बाहर की तरफ एक्ट करता है,
ठीक है। अब जो वेलोसिटी वी है, जो वेलोसिटी वी है जो रिजल्टेंट है, ये अगर बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज समथिंग ऐसे, तो भाई इस पॉइंट पर आपका वी वेक्टर कैसा होगा, वी वेक्टर ये होना चाहिए। बात आती है किसकी, अब ओमेगा की, ओमेगा कैसे निकाल लेंगे, तो भाई ये रिजल्टेंट है ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलता था, के कैप मिलता था। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलता था, के कैप मिलता था। तो अपने लोग क्या करते थे के कैप को निकालने के लिए, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे। सपोज आई कैप इधर है, जे कैप आपकी तरफ है, तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप और पाम इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, थंब ऑटोमेटिकली के कैप की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। अब यहाँ पर सीन उल्टा है, यहाँ पर सीन क्या है भाई, वी वैक्टर मतलब रिजल्टेंट के कैप गिवन है, पहले से गिवन है ठीक है। आर वैक्टर गिवन है, दैट इज जे कैप की वैल्यू गिवन है ठीक। तो आपको आई कैप दैट इज ओमेगा वेक्टर निकालना है। बॉडी आपकी इस समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड्स हो जाती है, टेंजेंशियल होगी ठीक है। आर वेक्टर मैंने बोला रेडियली ऑलवेज क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है। तो कहने का मतलब वी वेक्टर के कैप की डायरेक्शन हो गई, आर वेक्टर जे कैप की डायरेक्शन हो गई, आई कैप ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो कोई बड़ा काम नहीं। ये है आपके पास आपका हाथ, राइट हैंड पाम रूल लगाइए और उस ओमेगा वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो भाई मैंने पहले बोला था कि के कैप डायरेक्शन ऑफ थंब हो गया, आई कैप डायरेक्शन फिंगर्स की हो गई, जे कैप पाम जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट होगा, तो वो पर्टिकुलर रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो भाई वी वेक्टर का काम के कैप कर रहा था, तो थंब को वी वेक्टर की डायरेक्शन में पुट कर दिया ठीक है। अब आपका जो पाम है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जे कैप के डायरेक्शन में। तो पाम अगर आपने जे कैप के डायरेक्शन में पुट कर दिया, तो ध्यान से देखो पाम आर वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो चुका है ठीक है। अब यहाँ पर आपने फिंगर्स को नोटिस करना है, फिंगर्स कहाँ है, इनवर्ड्स, फिंगर्स कहाँ है, इनवर्ड्स। तो दैट मींस ओमेगा वेक्टर कहाँ हो गया, अंदर की तरफ। ओमेगा वेक्टर कहाँ हो गया, अंदर की तरफ। तो अगर ओमेगा वेक्टर आपका अंदर की तरफ है, तो ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर और वी वेक्टर तीनों आपस में कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और है भी। अगर यही डायरेक्शन उल्टी हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती, तो ऑटोमेटिकली वी वेक्टर ऊपर चला जाता, वी वेक्टर ऊपर चला जाता, तो उस केस में आपका ओमेगा वेक्टर कहाँ आया था, बाहर की तरफ ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज जो आप सर्कुलर मोशन में देख रहे होते हो, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो उसके इनवर्स होगी परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलरली बाहर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आपको दिखाया कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी उसके लिए इनवर्स हो गया, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज दिखती है तो वो डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। तो आप देख लीजिए खुद ही, वेलोसिटी वी वेक्टर ऊपर हो जाता, वेलोसिटी वी वेक्टर आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा उस केस में ठीक है। जैसे यहाँ अंदर की तरफ था ठीक है, और पाम की डायरेक्शन किधर थी, आर वेक्टर, तो ओमेगा वेक्टर कहाँ चला गया, अंदर। अगर यही पाम की डायरेक्शन बाहर ही रहे और ओमेगा और वी वेक्टर ऊपर चला जाए, पाम की डायरेक्शन बाहर रहती है, तो फिंगर्स आपकी तरफ आ रही हैं, दैट इज आउटवर्ड्स। तो ओमेगा वेक्टर उसके इसमें कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, अगर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो कहीं लिख लीजिए द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मोशन वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज के लिए क्या डायरेक्शन होगी, तो फॉर क्लॉकवाइज क्या थी, इनवर्स, ये आप लिख लें, बाद में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड्स ठीक है। तो आपके आउटसाइड लिख लो या आउटवर्ड्स लिख लो। तो भाई दो पर्टिकुलर रिलेशंस, एक हो गया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जस्ट डिस्प्लेसमेंट का, एक हो गया ये एंगुलर वेलोसिटी और जस्ट वेलोसिटी का। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की भी ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो भाई, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे भाई ठीक है। अरे एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, कोई बात नहीं बता देते हैं। मैंने बोला था कि भाई हर पर्टिकुलर वीडियो में
मैं क्या करा करूंगा, हर वीडियो में तो नहीं कर पाऊंगा, खैर इतना पैसा नहीं मेरे पास, बट हफ्ते में एक बार ऐसा जरूर हुआ करेगा कि एक वीडियो में क्वेश्चन मिला करेगा आपको करने को, ठीक है? और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो सबसे पहले आंसर करेगा है ना, उसको मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। वो अगर पीलीभीत के बाहर का होगा तो मैं सोचूंगा कि कैसे वहां तक पहुंचूं, ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता मैं निकालूंगा, मतलब पीलीभीत जहां मैं रहता हूँ, और अगर वो पीलीभीत के आस पड़ोस का होगा तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा। पिछली वीडियो में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और वो क्वेश्चन को सबसे पहले करने वाले को मुझे इनाम देना था, है ना? तो फॉर ए वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक बच्चे ने करा, अभिषेक कंचन ने, ठीक है, सही करा, बिल्कुल आंसर सही था, और उसको मैं बहुत जल्दी रिवार्ड देने जाऊंगा, और अगली वीडियो में आपको उसकी फोटो मिल जाएगी मेरे साथ, ठीक है? और अब आज की वीडियो में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट अगली बार इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा था यार आंसर तो बहुत लोगों ने दिया और सही भी था सबका, तो रिवार्ड एक को क्यों, किस्मत वाले को दो ना रिवार्ड, तो ठीक है भाई, सबके आंसर्स आए 24 घंटे के अंदर अंदर, जितनों के आंसर्स आ जाएंगे वेल एंड गुड, उन 24 घंटों में आने वाले सारे आंसर्स का मैं एक विनर निकालूंगा, वो निकालूंगा लकी ड्रॉ के साथ, विश्वास रखिए मैं लकी ड्रॉ मैं खुद करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। आप लोग अपना काम करना, आंसर करना, और 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी आंसर आएंगे वो सब बच्चों के नाम मैं खुद पर्ची पे लिख के लकी ड्रॉ निकालूंगा, चिंता ना करें, टाइम लगेगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगली वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूंगा सबसे पहले मैं उस लकी ड्रॉ विनर का नाम अनाउंस करूंगा, ठीक है, और उसको मेरी तरफ से एक प्राइज भी मिलेगा, जस्ट कीप वॉचिंग। अब क्वेश्चन का वेट करना, साथ में साथ आगे बढ़ते हैं अगर अपने टॉपिक के साथ, तो भाई रिलेशन अब डिराइव करना है किसके बीच का, अल्फा एंड ए के बीच का। तो सर ये अल्फा और ए क्या है, तो थोड़ी देर पहले मैंने लीनियर और सर्कुलर के बीच में कुछ एक रिलेशंस बताए थे, है ना? तो अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, ए क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, तो इनके बीच का मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है भाई वी इज इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा आर होता है, ठीक है? अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दूं टी के साथ, ध्यान से देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी गेटिंग व्हाट, डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा भाई, बची चीज क्या ओमेगा, तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन इसके विद रिस्पेक्ट टी के विद रिस्पेक्ट, तो क्या मिलता है, डी ओमेगा अपॉन डीटी, इधर क्या मिला, डीवी अपॉन डीटी। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये आपने लिख देना ए। तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मिलता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो भाई जैसे मैंने पिछले केस में, जस्ट पिछले केस में ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन निकाली थी, वैसे ही आप अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो, नोइंग द वैल्यूज या नोइंग द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड आर। तो आर की डायरेक्शन तो वैसी रहेगी, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वही सेम केस में आपको जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही अल्फा की डायरेक्शन आ जाएगी। तो याद करने की जरूरत तो है कि अगर पर्टिकुलर मोशन क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तीनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है तीनों के हर केस में, वैसा ही केस यहाँ पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रहेगा। कि अगर क्लॉकवाइज मोशन तो तीनों के डायरेक्शन इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज मोशन तो तीनों की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड्स। मैंने आपको तीनों के तीनों रिलेशन बता दिए हैं, तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ। तो रिलेशन क्या कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस इन टू आर पहला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये होगा s इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, और a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है? ध्यान से देखो, एंगल इज इक्वल टू क्या पढ़ा था अपने लोगों ने, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है? तो याद करो आर्क क्या था, आर्क आपके पास था s, रेडियस r, तो क्या मिलेगा, एंगल था थीटा, तो s इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आपके पास तीन रिलेशंस, इन तीन रिलेशंस का यूज करके न्यूमेरिकल्स करने के लिए आएंगे, और आप वेट करो उस न्यूमेरिकल का जिसके लिए आपको कुछ मिल सकता है। तो कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल्स, तो भाई
चलो उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको आज सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं, फिर भी चेक करना चाहता हूँ कि कितना आप लोगों ने अभी इस टॉपिक को समझा। मैं बात करता हूँ एक आर हैंड की जो घड़ी के अंदर लगा होता है, आर हैंड जो छोटा वाला हैंड होता है, ठीक है, एक वो, और एक अपने अर्थ प्लेनेट की, ठीक है, जो सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, दोनों में किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, इस आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है या फिर इस अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। अब यार क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लग रहा आपको टफ रहा होगा, कुछ भी नहीं है टफ इसमें। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है खुद सोचिए भाई, जस्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप सोचेंगे तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो पहली कंडीशन के लिए ओमेगा वन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा वन हो जाएगा, टाइम टी वन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट थीटा टू हो जाएगा और टाइम टी टू हो जाएगा, है ना। ओमेगा वन ओमेगा टू को आपने कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर ओमेगा ज्यादा। अब इसमें थीटा वन बोले तो कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रोटेशन हो गया 2π, पुट कर दोगे टाइम टी वन। यार टाइम टी वन तो इस पर्टिकुलर घड़ी को कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है भाई, कंप्लीट रोटेशन मतलब 12 बजे अगर है तो दोबारा अगर 12 बजाने हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे। तो भाई टाइम में आपने 12 आवर्स पुट कर देना है। बट अगर यही बात मैं अर्थ की करता हूँ तो उसको अपनी एक्सेस पर रोटेट होने के लिए, अपनी एक्सेस पर रोटेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस मतलब कितना टाइम कवर करती है, 24 आवर्स। तो यहाँ पर टाइम को आपने पुट कर देना है 24 आवर्स, ठीक है। और थीटा टू तो कंप्लीट रोटेशन जो उसकी एक्सिस पर होगा, उसका अपना रोटेशन, तो उसके लिए कितना, 2π। तो भाई ध्यान से देखो, इसका टाइम था 12 आवर्स, उसका है 24 आवर्स, इसका थीटा वन 2π, उसका भी थीटा 2π। अब आप खुद बताएंगे भाई ओमेगा वन किसका ज्यादा है, ओमेगा टू किसके ज्यादा है, इतना पढ़े लिखे तो आप हो गया, आप इसका सॉल्व तो कर ही सकते हो, मैंने लगभग सारा बता दिया। मैं फिर भी इसलिए वो आंसर मांग रहा हूँ आपसे ताकि ये देखना चाहूँ कि आपने इस वीडियो को सुना कितने ध्यान से। लकी बनना चाहते हो ना, यू वॉन्ट टू बी दैट लकी विनर और नॉट, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और फिर उसका आंसर दीजिए, और फिर मैं बताता हूँ कौन है आज का लकी विनर। तो करिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब सपोज आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और आपका एक दोस्त, उसका अच्छा खासा दिमाग है भाई, वो तो आपको कहता है भाई तेरी बाइक का पहिया 100 बार घुमा 1 मिनट में, तेरी बाइक का भैया 100 बार घुमा, 100 टर्न्स लिए उसने 1 मिनट में, इन 1 मिनट, तो ये बता कि तू कितनी दूरी कवर कर लेगा, तू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ठीक। एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज वो पूछता है कि 1 मिनट में तेरी वेलोसिटी क्या थी इस समय, वी, ठीक। दो चीजें पूछ ली उसने, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा और वो दो चीजें आपसे पता कर सकता है कि भाई 100 बार आपका वो पहिया घूमता है 1 मिनट में, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर आप खुद सोचें भैया जब एक कंप्लीट रोटेशन लेगा तो कितना आगे जाएगा, भैया जब एक कंप्लीट रोटेशन लेगा तो वो कितना आगे जाएगा। अब ये भैया, ठीक है, अब ये फिंगर को आप इस पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हो, जब ये पहिया कंप्लीटली घूमेगा और वापस आएगा उसी पर्टिकुलर जगह पर, तो वो कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर चुका होगा कितना, जितना इसका खुद का सर्कमफेरेंस है। तो कितना सर्कमफेरेंस है, तो अगर इसका रेडियस आर है, यहाँ पर रेडियस भी गिवन होगा, पहले मैं भी आपको बता दूँ 0.5 मीटर्स, पहिए का रेडियस है 0.5 मीटर्स, ठीक है, तो रेडियस भी कवर होगा, तो टोटल जो एस कवर होना चाहिए वो कितना कवर होना चाहिए उसका, 2π, ठीक। तो यहाँ पर 2π क्या हो गया, उसका अपना एंगल दैट इज थीटा, ठीक, और इनटू जो रेडियस है उसका आर, वो आपको पता होगा जो क्या है 0.5 मीटर्स। भाई एक रोटेशन से 2π एंगल कवर होता है, तो 100 रोटेशन से कितना एंगल कवर होगा, 100 × 2π, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थीटा से और साथ में आर से, एस की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा आ गया आपके पास। अब निकाल दिए वी की वैल्यू, तो वी निकालने का तो तरीका है वी इज इक्वल टू ओमेगा, भाई ओमेगा चाहिए, अब आर तो गिवन है, तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2π μ। लो भाई म्यू तो निकाल ही लूंगा, कैसे, तो भाई फ्रिक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन है, कितना 100 टर्न्स पर मिनट, दैट इज RPM, सेकंड में कन्वर्ट कर ले भाई, कैसे 100/60,
आरपीएस फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, इस फ्रीक्वेंसी को इसमें पुट करोगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को इसमें पुट करोगे वी आ जाएगी, वेलोसिटी भी आ गई। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर मोशन के, इजी होते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो तो हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, मजा आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को पॉपुलराइज करवाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।